जन्नत माशाल्लाह से अभी 7 मंथ में है, तो मैंने उसको थोड़ा थोड़ा सॉलिड फूड देना स्टार्ट कर दिया हुआ है। कभी वो एप्पल खा लेती है, कभी बनाना खा लेती है, कभी एग। और आज अम्मी मुझे बोल रही थी कि इसको दलिया बना के दे दो, तो फिर अम्मी ने मुझे बना कर दिया था। मुझे एक्चुअली कोई आइडिया नहीं है क्या देना है क्या नहीं देना, तो जैसे कोई बताता है फिर मैं उसको थोड़ा थोड़ा फॉलो करती रहती हूँ। और यहाँ पर मैंने दूध बॉयल किया, उसको रखा है ठंडा होने के लिए। अभी मेरी नज़र पड़ी बाहर गराज में, तो वहाँ पर एक बिल्ली बैठी हुई है। मैंने सोचा उसको जाके थोड़ा सा मिल्क डाल देती हूँ। वैसे अम्मी के घर में भी एक बिल्ली थी, वो उन्होंने रखी नहीं थी, लेकिन वो वहाँ से जाती नहीं थी। तो जब भी हमने शाम को खाना खाना, तो मैं उसको जो कुछ बच जाता था उसको डाल देती थी, तो वो खा लेती थी। और अभी भी मेरी आदत है, जब मैं अम्मी के घर जाती हूँ अक्सर ही उनकी बिल्ली नज़र आ जाए ना, तो मैं इनकी फ्रिज से दूध निकाल के उसके आगे रख देती हूँ, वो फिर पी लेती होती है। तो इसको देख कर कैट को मुझे वो वाली कैट याद आ गई, ये भी खुद ही आ गई, हमने रखी नहीं हुई। और वो भी मतलब जब से आई है उसके बाद वो वापस नहीं गई। सर्दियों में इतनी बारिश में हमने उसको बहुत कोशिश की कि मतलब मेरी अम्मी को गुस्सा भी आ जाता था कि ये अंदर आ जाती है सर्दी में या गीली होती है, तो उसको निकालना भी, लेकिन वो फिर भी आ जाती थी वापस। तो अभी मैंने यहाँ पर प्लेट रख के इसको इशारा किया है, तो माशाल्लाह चुप करके आ गई, शायद भूख लगी हुई थी इसको। अभी मैंने जन्नत को बताया कि बाहर आके देखो कैट दूध पी रही है, और जन्नत और अम्मी भी आ गई मेरे पास बैठ के, तो माशाल्लाह से इसको भूख लगी हुई थी, अभी उसने दूध पी लिया। जैसे ही यहाँ पे जन्नत आई है जन्नत को देख के, तो कैट ने कहा चलो जी आप पी लो मैं जा रही हूँ, नाराज़ ही हो गई है। और उसके बाद यहाँ पे मैंने बॉयल की नूडल्स। अच्छा, नूडल्स लोग अपने अपने तरीके से बनाते हैं, कुछ अंदर वेजिटेबल्स ऐड करते हैं, कुछ क्या, लेकिन मुझे सिंपल से अच्छी लगती हैं, बिल्कुल सिंपल। जस्ट इसके अंदर मैंने केचप डालनी होती है या फिर चिली सॉस, इस तरह की 2-3 चीज़ें डाल के, तो वो मुझे फिर इस तरह की नूडल्स काफ़ी मज़ेदार लगती हैं। एक तो काम भी झटपट हो जाता है, आपकी पेट पूजा भी हो जाती है और आपकी ज़बान की पूजा भी हो जाती है, जो कि कुछ चटपटा खाने को चाह रही होती है। अभी मैंने इसके अंदर ग्रीन चिली की चटनी मेरे पास रखी हुई थी वो डाली है, और साथ में मैंने इसके अंदर सॉस डाली है। एक नूडल के अंदर मसाला था वो डाला, और इसके अलावा इसके अंदर कुछ भी नहीं डाला हुआ। और ये बहुत ज़्यादा गर्म है, और मैं वेट कर रही हूँ कि ये कब ठंडी होंगी। आज मैंने खाना नहीं बनाया, क्योंकि जो रात खाना बना था वो ऐसे ही रखा हुआ था, तो फिर मैंने सोचा चलो आज छुट्टी करते हैं, आज बस इन्जॉयमेंट करेंगे। और राव साहब रात मुझे कह रहे थे, इतनी रात को मेरा दिल कर रहा है डेरी मिल्क खाने को, तो मैंने कहा यहाँ से 12-1 बजे मैं कहाँ से आपको डेरी मिल्क पकड़ाऊँ, कोई रखी नहीं हुई। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना राव साहब को आज फिर एक शाही दिल खोल के ट्रीट दे दी जाए। तो यहाँ पे मैंने 0 डिग्री का सुना था कि नेट पे इतनी ज़्यादा धूम मचाई हुई है, जितने भी फूड व्लॉगर्स हैं ख़ास तौर पर उन्होंने, ये 0 डिग्री गुलबर्ग में वाक़ है, और इसका जो रोड है ना वो है नूरजहाँ रोड के ऊपर ये वाक़ है। यहाँ पे हम 1000 दफ़ा गए हैं, यहाँ से स्वीट क्रीम बिल्कुल इसके कॉर्नर के ऊपर है, वहाँ पर हम काफ़ी दफ़ा जाते रहते हैं, तो मुझे इसका पता नहीं था। तो पहले तो हमें ये मिल नहीं था रहा, क्योंकि नूरजहाँ रोड एक अलग ही पॉइंट आ गया था कि पता नहीं नूरजहाँ रोड किधर है, गुलबर्ग तो सुना हुआ था तो इसका पता नहीं चल रहा था। फिर हम यहाँ पे जैसे तैसे करके पहुँच गए, फिर जब पहुँचे तो मैंने कहा लो यहाँ पे तो हम इतनी दफ़ा आए हैं, इसका हमें पता ही नहीं है। तो यहाँ पर जाने के बाद हमने इनको ऑर्डर दिया। सबसे जो एक बुरा पॉइंट था मुझे जो लगा, वो ये था कि इनकी सीटिंग कोई ख़ास नहीं थी, बाहर 4-5 स्टूल पड़े थे, और साथ ही इनके बिल्कुल वो स्मोकिंग की कोई शॉप है जहाँ से आपको ये सारा सिगरेट ये वो मिलता है शायद, तो वहाँ पे इतने ज़्यादा जेंट्स थे कि लेडीज़ के लिए बैठने की कोई ख़ास जगह नहीं थी। इन्होंने उनके सामने ही शॉप के 4-5 स्टूल रखे हुए थे, वहाँ पर हम बैठ गए। साथ दूसरी शॉप थी, वहाँ पर इतना ज़्यादा रश था, और उसके अलावा जो इनकी कोई अपनी ख़ास सीटिंग नहीं है जो मैं बता दूं आपको। उसके बाद हम मैंने इनको ऑर्डर दिया, ऑर्डर देने के बाद फिर मैंने इनसे परमिशन ली कि मैंने वीडियो बनानी है, वो तो इन्होंने दे दी कि ठीक है आप बना लें। मैंने एक पैनकेक का ऑर्डर दिया था, और साथ में मैंने वेफल्स का ऑर्डर दिया था। ये दोनों चीज़ें मैं इनसे फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही थी। पैनकेक मैंने पहले एक रेस्टोरेंट पर खाया था,
वो बिल्कुल ठीक ठाक था, एवरेज था। और ये मिनी पैन केक्स हैं, भाई ने पैन केक की और वेफल की जो टॉपिंग है वो काफ़ी अच्छी की थी, और वो साथ साथ मुझे बता रहे थे कि अभी मैं ये चीज़ ऐड करने लगा हूँ, अभी ये चीज़ ऐड करने लगा हूँ। इसके ऊपर उन्होंने डेरी मिल्क ऐड की थी, उसके अलावा क्रंच हुए बिस्किट्स ऐड किए थे, ओरियो के ऐड किए थे, उसके बाद से अब उन्होंने इसके ऊपर रख दिया आइसक्रीम। ये सारा सीन बहुत ही अच्छा था, आपको देख के बड़ा खुशी हो रही होती है कि हमारा जो ऑर्डर है वो तैयार हो रहा है। और इसके साथ ही मैंने यहाँ से इनकी दो सोडे भी मंगवाए थे, एक मैंने मंगवाया था स्ट्रॉबेरी में और एक मैंने ऑर्डर दिया पीच के अंदर, वो भी मैं आपको ट्राई करके बताऊंगी कि वो कैसा है। ये इनकी सीटिंग है बाहर स्मोकिंग पॉइंट के सामने, यहाँ पर हम बैठे हुए थे और यहाँ से आप देख सकते हैं इनका ऑर्डर आ गया। इनके जो पैनकेक थे वो अच्छे थे, मैं बिला वजह इनकी बुराई नहीं कर रही, पैनकेक इनके बहुत अच्छे थे। और इसके अलावा जो उन्होंने वेफल दिया था ना, वो बिल्कुल ऐसे था जैसे किसी ने केक रस के ऊपर आइसक्रीम और चॉकलेट्स लगा कर दे दी हूँ, क्योंकि वो इस कदर हार्ड था, बहुत हार्ड था, मुझे ऐसे रस वाली फीलिंग्स आ रही थी उसको देख के। और यहाँ पे इन्होंने फ़ैन सामने लगाया हुआ था, जो आइसक्रीम थी वो फ़ौरन से मेल्ट होना स्टार्ट हो गई थी, यानी आपको टाइम ही नहीं मिल रहा था कि आप उसको संभाल सके, एक तो वो कटिंग नहीं हो रहा था। और ये वाली दो ड्रिंक्स मैंने मंगवाई थी, अभी आपको लाइव सुनवाती हूँ मैं क्या बोल रही थी वहाँ पर। ये वाला ड्रिंक बिल्कुल बकवास। ये दो सोडे हमने मंगवाए थे पीच में और स्ट्रॉबेरी में, पीच वाला तो फिर भी पिया जा रहा था लेकिन जो स्ट्रॉबेरी वाला था वो तो बिल्कुल बेकार था, उसे तो बिल्कुल भी पिया नहीं गया, और जैसे तैसे करके हमने उसको फिनिश किया क्योंकि अब रिजक ज़ाया तो नहीं करना ना। और यकीन करें मुझे ऐसे लग रहा था कि मैंने अपने पैसे ज़ाया किए हैं, यहाँ आकर इससे अच्छा था मैं स्पाइस अरीना में जाकर अच्छा सा डिनर कर लेती इन पैसों में। तो जितने भी फूड व्लॉगर्स हैं ना उनसे गुजारिश है कि प्लीज़ भाई आप लोग झूठ कम बोला करें, जितनी बात होती है बस उतनी बताया करें, सिर्फ पैन केक के ऊपर डेरी मिल्क डाल दी है या फिर आइसक्रीम डाल दी है और उसके लिए आपने इतना शोर मचा दिया कि पता नहीं क्या मिल गया हमें।